हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाजी अरफा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी अरफा जी, सलीम बोल रहा हूँ गली न्यूज से। हाँ बोलिए। हाजी अरफा जी, नवाब मलिक जी का एक वीडियो आया, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बड़े मंत्री है वो, और उन्होंने बकरा पॉलिटिक्स पे, आपने देखा वो वीडियो? बिल्कुल देखा मैंने, अभी बताइए क्या लगता है आपको, उन्होंने क्या क्या दावे किए उसमें? उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी एक बंदा नहीं है जिसने कुर्बानी नहीं की होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले का तो मुझे लगता है कि इनको अल्पसंख्यक मंत्री बनाया किसने, शरद पवार जी ने, अगर इनको अल्पसंख्यक मंत्री बना तो सबसे बहुत बड़ा गलत काम किया है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा देने का ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी वीडियोस देख रहा था, उन्होंने कहा कि कोई गाड़ी नहीं रुकी है। पहले नवाब मलिक का ही स्टेटमेंट आया था, अगर रमजान में जिस तरीके से सभी लोगों को कहा गया था कि ईद नहीं मनाएंगे, और ईद नहीं मनाने की बात जब आई बात, तो लोगों ने घर में शांति से ईद मनाए, घर में तरावीह शांति से पढ़ लिए और ईद की नमाज तक की घर में पढ़ लिए। लेकिन बकरीद के अंदर अगर एक क्लियर कट बताते तो ये सारी बातें नहीं होती। लेकिन नवाब मलिक, जितने जब अबू हशीम आजमी होने दो, जितने मंत्री सभी लोग गए, जब इनको पता था कि इस टाइम अगर हम इस आकर मुसलमानों को ये बात करेंगे तो मुसलमान इनको जीने नहीं देंगे, इनको वोट नहीं देंगे और इनको अपने मतदार संघ में घूमने नहीं देंगे, तो इसके अंदर किस तरीके से पॉलिटिक्स इन्होंने खेली, और खेलने के बाद इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रच के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। और सबसे पहला स्टेटमेंट नवाब मलिक का आया और उन्होंने कहा कि कोई ट्रांसपोर्टिंग में प्रॉब्लम होने वाला नहीं, मंडी नहीं लगेगी, ये उन्होंने क्लियर कट कहा। और बोला गाड़ी ऑनलाइन तुम मंगा सकते हैं और ऑनलाइन जो बकरे लेके आएंगे, और यहाँ तक के बोकर, मराठी के अंदर उन्होंने बोला बोकर और मछी, इस ये उनकी लैंग्वेज थी। जी जी बराबर, हिंदी और मराठी में, और गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, और गाड़ी उन्होंने बोला कि एक भी गाड़ी नहीं रुकेगी। आज मुझे बताओ कि मुसलमान महाराष्ट्र का, मुंबई का खास तौर पर, आज क्या तकलीफ हो गई और इतने सारे बकरे मर गए, और वो बोलते सारी झूठ फेक थी, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं, वो बकरे फेक थी, सभी लोगों ने बकरे ईद अच्छे से मनाए, वो भी उन्होंने बोल दिया कि एक आदमी को तकलीफ नहीं हुई। अरे भैया, जो 15,000 का बकरा था 25,000 में लोगों को खरीदना पड़ा, 25,000 का बकरा था 50,000 में, नुकसान किसकी वजह से हुआ? अगर ये बोल देते बकरीद नहीं, मैं तो, ये लाखों जो शेतकरी आए थे महाराष्ट्र के बाहर से, जो खाटिक समाज के लोग, शेतकरी लोग, वो बकरे नहीं लाते, उनके बकरे मर गए, कम से कम 200 से 250 करोड़ का नुकसान हो गया, और वो बोलते कुछ हुआ ही नहीं, इसमें पॉलिटिक्स हो रही। तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक शायद दिमागी उनका ठीक नहीं लग रहा है, या वो अभी 2 दिन फिर क्यों नहीं मीडिया से छुपते रहे 2 दिन? और मैं क्या बोलूंगा, ये अगर तुमको स्टेटमेंट देना है ना वीडियो पे, मैं नवाब मलिक को कहूंगा ये स्टेटमेंट आप जनता में आके बोलो कि किसी को तकलीफ नहीं है, मुसलमानों में जाके बोलो, वीडियो पे मत बोलो। मेरा उनका बोलना है, उनके मतदार ज्यादा छोड़ो, भिंडी बाजार और बाकी इलाके कुर्ला छोड़ दो, उनके मतदार संघ में जाके बोलो कि आप लोगों ने ईद बहुत अच्छे से मनाई, ये मेरा दावा है। और वो दावा कर रहे कि मुंबई के लोगों ने अच्छे से ईद मनाई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई गाड़ी नहीं रुकी, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, गाड़ी भी नहीं रुकी। जी जी, महाराष्ट्र में तो, महाराष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, मैं मुंबई की बात करो, महाराष्ट्र में कितनी तकलीफ हो गई, कोई कोई बकरा कहाँ, कोई चेक पोस्ट से आने नहीं दिया, मुझसे पूछो, मैं खाटिक समाज का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, आप खाटिक समाज के अध्यक्ष हो, एक सवाल आप पे जाता है कि उन्होंने कहा है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल परमिट लगता है, वो परमिट नहीं होने की वजह से पुलिस ने रोक सकती है, रोकी थी। परमिट देने वाला कौन है आज अभी? एग्जैक्टली परमिट कौन देगा? इन लोग ने देवनार के अंदर जब बात की तो सरकार होगी ना परमिट, देवनार के अंदर कल कोर्ट से परमिशन आया, 150 भैंस काटने का, एनिमल्स काटने का आया, तो 150 का है, तो 150 में भी उन लोगों ने परमिट नहीं दिया, तो ये जिम्मेदारी किसकी? नवाब मलिक की ना जिम्मेदारी, यानी परमिट सरकार को देना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था। मैंने सिंपल एक बात रखी थी, देवनार के जीएम को भी मैंने कहा था कि देवनार के 4 गेट है, 4 गेट आप खुलवाओ, और 2 लाख बकरा आता है, आप 2 लाख मत बुलाओ, 25,000 बकरा बुलाओ, और ये ऑनलाइन सिस्टम अगर ये लोगों को करना ही है तो 2,000 आदमी हर गेट से 500-500 आदमी छोड़ो, 2 घंटे का उनको टाइम दो, अपना बकरा आसानी से खरीदेंगे चले जाएंगे, फिर दूसरे 2 घंटे में दूसरे 2,000 लोग अंदर जाएंगे, इस तरीके से काम हो सकता था। लेकिन ये वो नहीं करना चाहते थे कि हर गली गली में मंडी लगाना है, तो ये किसने दिमाग दिया? एक दूसरी चीज, अगर बकरा खरीदने नवाब मलिक ने शायद बचपन से आज तक कुर्बानी की है नहीं की मुझे नहीं पता, या घर पे ही लाके बकरे पालते ये नहीं मुझे पता, ये बोलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसा देखेंगे आप मुझे बताओ? मैंने इसके पहले के इंटरव्यू में कहा कि उसका दांत देखा जाता है, बीमार है के बकरा वो देखा जाता है, लंगड़ा बकरा नहीं चलेगा, 2 दांत ही होना चाहिए, वो 1 साल की कंप्लीट होना चाहिए, ये सारी चीज ऑनलाइन में कैसा देखेंगे? तो 100% ये सारी बातों से लगता है कि 100% नवाब मलिक ने मुसलमानों को पूरे महाराष्ट्र के धोखा दिया है। और सबसे बड़ी आज कोरोना के हालात के अंदर लोगों के पैसे नहीं है,
अमीर से अमीर आदमी आज तकलीफ में, अगर जो 12 कुर्बानी करता था वो हेलो तरीके से करेगा? अगर मंडी अगर होती या कोई जगह होती तो लोग जाते, एहतियात रखते और आसानी के साथ जाते थे और भाव करके अपने हिसाब से बकरा खरीद सकते थे। तो ये कहते कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये बात तो आपकी सही है कि 300 रुपए किलो का बकरा जो है 600 रुपए किलो में बिका, ये बात तो सही है। और बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया, ये बात भी सही है, इसका हमें भी पता है, लोगों ने हमें भी कॉल किया है। उन्होंने एक बात कही है जो आप पे भी लागू होती है, उन्होंने कहा है कि लोग पॉलिटिक्स करें, क्योंकि आपने भी उनके लोगों गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा है कि लोग जो है वो वीडियो सर्कुलेट, जो बकरे जो वहां पर रुके हुए थे, जो गाड़ियां रुकी हुई थी, वो वीडियो वो कह रहे हैं कि जानबूझ के फैलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? सलीम भाई, अभी आप मेरे सवाल कर रहे हैं ना, ये आप अभी जनता की आवाज, कौन की आवाज बनके आपका प्रेस दिखा रहा है ना, क्या गलत हो रहा है तो आप बोल रहे हो ना, आप दिखा रहे हो ना जी, जी, और सरकार तक वैसे वही नहीं, वो भूमिका में मैं हूँ। मेरे कौन के साथ गलत होगा तो फिर मैं चुप रहूंगा? सही बात। अगर वो गलत, वो कुछ भी गलत करते रहेंगे तो हम चुप रहेंगे, तो हमारी कौम हमको भी पूछेंगे ना, सब गलत कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तो मैं वो आवाज बन के, कौम की आवाज बन के मैंने उनको बताया कि ये ऑनलाइन बकरा खरीद नहीं सकते, ये बेवकूफ बना रहे हैं, हमारी कौम को बेवकूफ बना रहे। चलो ऑनलाइन लाए, सारी चीज लाए, बकरे रुक रहे और ये बोलते बकरे, एक गाड़ी भी नहीं रुकी। नवाब मलिक कहते एक गाड़ी भी नहीं रुकी, और एक मुंबई के एक मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं हुआ, इस तरीके की भाषा कर रहे वो, तो प्रॉब्लम किसको हुआ? ये बोलते कुछ नहीं है पॉलिटिक्स का, ये पॉलिटिक्स इसमें क्या है? ये मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। यहाँ मैंने कोई मेरी पार्टी का, मैंने नहीं बोला कि मैं मोर्चा निकाल के पार्टी का जा रहा हूँ, झंडा लेके उधर दौड़ रहा हूँ, मैंने तो वैसी सब बातें नहीं हुई, लेकिन जो चीज हुई मैंने वो बताई कि ये चीज अगर आप क्लियर कट अगर लोगों को मना करते कि नहीं कुर्बानी नहीं हो सकती, झूठ, और इसके बाद अभी चोर तो चोर उसमें सीना जोर, मतलब इतना सब होने के बाद लोगों से माफी, इतने सारे मतलब आमदार और ये जो लोग बेवकूफ थे, ये बाबा सिद्दीकी के बेटा कल माफी मांग रहा था, मतलब वो गलत है। अबू हशीम आजमी ने बोला कि हमारे को मुख्यमंत्री जी ने धोखा दे दिया, वो गले का, तुम्हारे ही चैनल पे उन्होंने कहा कि गले का हार थे अभी सांप बन गए, यानी नाग बन गए, पीएम को बोला। नसीम खान चिल्ला रहे, मतलब वो गलत थे। अमीन पटेल चिल्ला रहे, वो गलत थे। मतलब 13 के 13 आमदार और ये लोग सब गलत है, नवाब मलिक अकेले सच है। मतलब अभी उन्होंने क्लियर कट बोला कि ये 13 लोग एकदम गलत है, भोगस है, इनकी पार्टी के लोग इनके साथ में सरकार में सब भोगस है, इनका बोलने का मतलब ये, और बाकी लोग झूठ। मतलब नसीम खान पॉलिटिक्स कर रहे थे क्या? अबू हशीम आज भी पॉलिटिक्स कर रहे थे क्या? बाबा सिद्दीकी का बेटा पॉलिटिक्स कर रहा था क्या? यानी ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनका बोलना, मेरे पे लागू नहीं है। मोर्चा निकाला यीशु बाबरानी मोर्चा निकाल के बिचारे वो उधर आजाद मैदान में अकेले 2-4 लोग को लेकर बैठे, यानी वो भी झूठे थे। इन्हीं के पार्टी के हमारे नसीम सिद्दीकी तो मेरे माइनोरिटी कमीशन के मेरे पहले वो चेयरमैन रह चुके, मतलब वो भी झूठे थे। मतलब सारे लोग जितने मुसलमान इनकी पार्टी के लोगों को बोल रहे हो, मेरे तरफ नहीं बोल रहे, वो सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे, मतलब इनकी पार्टी के लोग इनको इनके खिलाफ लड़ रहे थे, ये सब झूठे हैं और नवाब मलिक सच्चे हैं, इनका मतलब ये हो गया। ये सारी चीजें नवाब मलिक को अभी भी बोला कि अगर नहीं आ रहा है तो मत करो और अपनी गलती एक्सेप्ट करो। इतनी बड़ी आज उन्होंने, उनके वजह से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस डैमेज हो गई। मैं शरद पवार जी को कहना चाहूंगा और उनके बड़े वरिष्ठ नेताओं को कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को अगर आप में रखेंगे, आपकी पार्टी में जितने लोग विश्वास करते हैं ना मुसलमान, वो भी नहीं करेंगे और भाग जाएंगे। आधे से ज्यादा लोगों का मतलब मुझे फोन था कि आपकी पार्टी सही थी, क्योंकि 5 साल जब मेरी पार्टी थी, देवेंद्र फडणवीस साहब सबको बुलाते थे, उसमें नवाब मलिक भी शामिल होते थे, उसमें नसीम खान भी शामिल होते थे, अबू हशीम आजमी भी शामिल होते थे, वारिस पठान भी शामिल होते थे, अमीन पटेल भी शामिल होते थे, और हम सबको बुलाते थे और सभी धनगर समाज, खाटिक समाज के सारे लोगों को बुला के देवेंद्र फडणवीस साहब पूछते थे कि क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या अड़चन है, आप मुझे बताइए, मैं सारी अड़चने दूर करूंगा। और सारे अधिकारी बैठे थे उसमें, कलेक्टर से लेकर आईएएस अधिकारी, उसमें डीजी तक के बैठते थे, कमिश्नर बैठते थे, और हमसे पूछते थे। ऐसी तो मीटिंग इन्होंने ली नहीं, क्योंकि नवाब मलिक का काम था उद्धव ठाकरे साहब के पास बैठ के सारे मुसलमानों को विश्वास में लेना चाहिए था। इनकी पार्टी है, सब लोगों को हम लोग बुलाते थे, सबको बुलाकर पूछकर, और देवनार के और सब अधिकारी को बुलाकर पूछकर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपना ही राज चला। इनको समझते कि ये अपने राज में चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इतना तकलीफ देने के बाद भी आज वो वीडियो निकाल के बोल रहे हैं कि मुसलमानों को तकलीफ दी, मुसलमानों ने एकदम ऐश से ईद मनाई। शर्म आनी चाहिए उनको, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि इतना गंदा वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई को किसी को तकलीफ दी हुई, कोई गाड़ी नहीं रुकी, शायद 3 दिन ये सोए हुए थे घर में, इनको समझ में नहीं आया क्या तकलीफ है, क्योंकि उनका तो मोबाइल ही बंद था, सारे मीडिया वाले उनको पूछ रहे थे। और मेरा एक सवाल आपसे, आप जो मेरी इंटरव्यू लेने के बजाय इनके जितने भी आमदारों के इंटरव्यू लो,
बाबा सिद्दीकी के बच्चे बेटे की लो, अबू हशीम आजमी साहब के और सबको नसीम खान की लो, और वापस ये नवाब मलिक की लो और नवाब मलिक से पूछो कि ये सारे लोग झूठे हैं क्या। सही बात है, सब लोग झूठ बोल रहे थे क्या? आपका सवाल, और मुंबई के मुसलमान झूठे हैं क्या? जी जी जी, एक सवाल ये है मेरा कि अभी अभी आपने शरद पवार की बात की थी, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है, सबको मालूम है, बहुत बड़े नेता है वो, उनके बीच में आने के बाद भी ये सरकार जो है वो इनकी बात नहीं सुनी, या शरद पवार जी की बात नहीं रख पाई, या शरद पवार जी नहीं चाहते थे ऐसा हो, इस पे क्या कहना आपका? नहीं बिल्कुल, ये एक्चुअली इन लोगों की सब आपस में तिगाड़ी जो सरकार है, तीन चक्की राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग रिक्शा के अंदर पीछे बैठे और सीएम रिक्शा लेके चलते निकल गए, कौन सी दिशा में गए इनको पता नहीं चला, क्योंकि सब लोग को विश्वास में रखे और विश्वास में रख के इनको पहले बोला गया, और ये सारे जो लोग देखो ये सब दिग्गज लीडर है, सभी सभी लोगों को मालूम है, सब अनुभवी लीडर है, इन लोगों को सबको विश्वास में लिया जाएगा, बिल्कुल हम कुर्बानी होने देंगे, ले और इस अंदाज में होगी। इसमें असलम शेख और नवाब मलिक की गलती रही, असलम शेख का मामला हो गया कि वो पहले कांग्रेस के नेता थे, अब शिवसेना के वो पोपट हो गए, वो शिवसेना की बोली बोलते, जो सेना बोलती वही वो करते, मतलब सेना ने अगर उनको दाना डाला वही खाना है उनको, बिरयानी उनको नहीं पसंद वड़े पाव में चले गए, अभी वो उनकी हालत, और उन्होंने कौम को धोखा दिया है, कौम को दोनों ने मिलकर बेचा है। नवाब मलिक दोनों के बारे में बोल रहा हूँ, दोनों के बारे में बोल रहा हूँ, असलम शेख तो क्वारंटाइन हो गए, जो हमको जवाब ही नहीं देना है, लेकिन असलम शेख क्योंकि शुरुआत असलम शेख ने बोला है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक होके आ गया, अगर मैं फिर भी अभी आप क्वारंटाइन हो, मगर फिर भी आप तो बीच में दखल दे रहे हो ना, क्वारंटाइन होने का मतलब कि आप जवाब नहीं दो काम को। नहीं बिल्कुल, देखो मैं अगर हॉस्पिटल में नहीं जाता मुझे ये सारी चीजें, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई अच्छा रास्ता निकालता, देवेंद्र फडणवीस के आप भी घर पे बैठ के आपने वीडियो बनाए, आपने रिक्वेस्ट किया, आपने कहा कुछ तो किया ना, हमने क्वारंटाइन होने का मतलब नहीं, इनके पास इनको तो झूठ ही बोलना था ना सलीम भाई, इनको तो झूठ ही बोलना था, इन दोनों को, दोनों नेताओं को बिल के लोग ने पूरे लोगों को बेवकूफ बनाया, कौम को बेवकूफ बनाया, और इनकी पार्टियों के नेताओं को भी बेवकूफ बनाया, और आज शेख खुद कह रहे हैं, ये इनका स्टेटमेंट है कि ये सब लोग झूठे हैं, मैं सच्चा हूँ, यानी इनकी पार्टी के लोग सबके सब उसमें, असलम शेख भी झूठा है, बाकी के नसीम खान भी झूठ बोल रहे हैं, अबू हशीम आजमी भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, यही अकेले सच्चे, और इनकी आंख थी, इन्होंने दूरबीन लगा के रखी थी, कोई गाड़ियां पकड़ी नहीं गई बोलते, कोई बकरे मरे नहीं बोलते, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, और हर मुसलमान घर में जोरदार तरीके से बकरे काटे गए, ऐसा उनका दावा है, उनका बोलना है कि हर मुसलमानों ने दबा के कुर्बानी अच्छे से मनाई, इनके घर में काफी गोश्त भी अच्छा आया, इनका ऐसा इसका बोलना है, और एकदम आलीशान तरीके से इन्होंने ऑनलाइन, इन्होंने खुद ने ऑनलाइन बकरा खरीदा के इनसे पूछो आप फोन करके, और आपका बकरा कहाँ से आया ये पूछो इनसे, आज कुर्ला के लोग एक एक लोग आप पूछो जो बकरे काट गए, आज सब लोग महरूम रहे कुर्बानी से। जी सही बात है, बहुत लोग महरूम रहे, मैं कुर्ला की बात कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की नहीं बात कर रहा, जो तकलीफ नवाब मलिक की वजह से हुई, उनके स्टेटमेंट अगर वो नहीं झूठ बोलते कि बिंदास आओ, ऑनलाइन कोई गाड़ियां रोकी नहीं जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, मैं आपके माध्यम से बताता, आपका चैनल को माध्यम से मुंबई के लोगों को, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को बता जाऊंगा, गुजरात से जिधर बीजेपी की सरकार है वहां से बकरा आ रहा, वहां कोई तकलीफ नहीं हो रही है, यहाँ तक के यूपी के अंदर तुम योगी को, मुसलमान हमेशा योगी सरकार को बुरा कहा कि ये ऐसा है, लेकिन यूपी के अंदर कुर्बानी मनाई गई, बिहार में कुर्बानी मनाई गई, मध्य प्रदेश में कुर्बानी मनाई गई, हर जगह, खाली महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये दिक्कत हुई है, और उसके जिम्मेदार नवाब मलिक रहे। जी अच्छा, ये एक बात बताइए, जब इतनी हाहाकार हो रही थी, बकरे रोक रहे थे, बकरे मर रहे थे, वीडियो वायरल भी, अपोजिशन पार्टी हमला कर दी, इनके पार्टी के लोग ये कर रहे थे, तब नवाब मलिक ने ये क्यों नहीं कहा था कि जो है ये सवाल तो उन पे होता है, मगर फिर भी मैं आपको आपसे ये बात करना चाहूँगा, टाइमिंग को लेके बात हो रही है, ये सवाल जो है नवाब मलिक पे जाता है कि भाई आप इतने दिन से चुप क्यों थे, और आज ईद होने के बाद दो दिन बाद लोग तकलीफ कर लिए, कितने लोग की कुर्बानी नहीं हुई और कितने लोग ने डबल में खरीदा, वो तो अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल की, लोगों को आज इस पेंडेमिक में, इस मंदी में, इस ये लॉकडाउन में भी लोगों ने कैसे न कैसे करके, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी, उनसे कैसे न कैसे करके उनको उतना असबाब दिया कि वो कुर्बानी कर पाए, इसका क्रेडिट अल्लाह, इसका क्रेडिट क्या कोई दूसरा ले सकता है, और आज ही ये क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखो कैसा है, मैंने जिनको बोला नाचने में तो आंगन टेढ़ा वाली बात है, और ये खुद ही नाचते हैं और अपनी पार्टी के अंदर अपनी भूमिका क्लियर करने के लिए सारी चीज कर रहे हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं मेरे वजह से मैंने सब सारी चीज कराया, लेकिन ये सवाल उनका क्या है, ये घर में बैठ के वीडियो भी बोल रहे हैं, जनता ने आके बोलो ना, नहीं अगर उनको लग रहा था कि उन्होंने एक बात कही जो हजम नहीं हो रही कि परमिट का वजह था, तो ये चीज वो पहले ही बोलते कि भाई परमिट का प्रॉब्लम, आप परमिट दिखाओ जाओ, अभी जो मेरे पास ऐसे बताना चाहिए था, परमिट उनको बताना चाहिए,
एक भी पोर्टल बताओ इन्होंने गवर्नमेंट जैसे कोरोना के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, देवनार ने ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए था, ये देवनार के जीएम का काम था, इन्होंने बोलना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है इन्होंने अभी तक के जो इसका कंसर्न मिनिस्टर सुनील केदार उसको तक के विश्वास में इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो कांग्रेस का है। कांग्रेस वाला बोलता मैं इनका काम नहीं करूंगा, राष्ट्रवादी वाला बोलता मैं उसका काम नहीं करूंगा, शिवसेना बोलता मैं किसी का काम नहीं करूंगा, ये तीनों के झगड़े के अंदर मुसलमान पीस गया ना उसमें। हम क्या करेंगे, हम कहां से ये सारी चीज करते बैठेंगे। तीन तीन से पहले तो हमको वन विंडो था, एक जगह जाके हमको बात करना था, आज तो तीन तीन जगह बात करना, तीनों के तालमेल नहीं है, तीनों के आपस में झगड़े, और उसके वजह से हमको जो 15,000 का बकरा 25 में खरीदना पड़ा, 25,000 का बकरा हमको 50,000 में गया। गरीब आदमी क्या करेगा, कहां से गोश्त खाएगा, आज कितनी तकलीफ हो गई। कई लोगों ने मदरसे में जाना पसंद करा, मदरसे के अंदर जाने की कोशिश की, आधे से ज्यादा लोगों ने मदरसे के अंदर, मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया ऑनलाइन बकरे तो, और यहां से अपना गोट फार्म से लेके आओ, फार्म वाले के बकरे भी वहाँ पे रोक दिए गए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फार्म वाले जो हैं, जो अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे कागजात हैं, हमारी गाड़ी जो है फार्म में आएंगे, हमने ऑर्डर ले लिए, हमने 20 लाख का बकरा लेके ले लिए, तो हम तो किधर बेचने नहीं जा रहे हम। हाँ देखिए मैं क्या एक ही बात करूंगा, इतनी बात करने से सारी वीडियो वो झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया झूठ है, जो वहाँ पे फोटो निकाल रहे वो झूठ है, बकरे मरे वो बोलते झूठ है, मुसलमानों ने कुर्बानी सबने अच्छे से मनाई, कोई महंगा बकरा नहीं मिला वो झूठ है, ये सारी चीज अगर आदमी वीडियो पे बोल रहा है कि मैं झूठ हूँ, एक अल्पसंख्यक मंत्री और उसके आगे क्या बात करेंगे, क्या फार्म हाउस वाले से बात करेंगे, हम किससे बात करेंगे, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं और इतने शांत से और इतने अच्छे फेस करके बोल रहे हैं, और इतना ऐसा कि उनको जरा भी थोड़ी सी भी गहरत और शर्म नहीं लग रही है, मेरे को तो अजीब लग रहा है कि कैसा ऐसा कैसा कोई हो सकता है। उल्टा मुसलमानों से उन्होंने माफी मांगना चाहिए, सभी उलमाओं से माफी मांगना चाहिए, और हमारे उलमा क्यों चुप बैठे इस वक्त पे, क्यों, क्योंकि वो राष्ट्रवादी है, क्यों, कांग्रेस है। यही अगर बीजेपी की सरकार होती, बीजेपी पार्टी होती, तो सारे लोग रस्ते पे उतरते, बड़े बड़े फतवे निकल जाते थे, दुनिया भर की गालियां हो जाती थी। मैं उनसे पूछूं, और मैं शिवसेना के अंदर भी कई मुस्लिम लीडर काम करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते थे हमेशा फेसबुक और उसके ऊपर, कहां गए अभी, क्यों नहीं अपने नेता से बात कर रहे, क्या उनका भी कहना है कि मुसलमानों को तकलीफ दे, राष्ट्रवादी में कई मुस्लिम लीडर है उनको तकलीफ, क्या ऐसा क्या मजाक बना के रखे इस्लाम को इनको। मैं तो एक चीज, कुर्सी का डर है, अल्लाह का डर नहीं है, कि अल्लाह से डरने को तैयार नहीं है, इनको अपनी कुर्सी की पड़ी है कि भाई मेरी कुर्सी मैं कैसे बचाऊं, और अपने आका को खुश करो, अपने आका को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर बैठे। मैं लोगों को इतना ही कहूंगा कि इनको इतना ही बोलूंगा कि भाई साहब आपको गालियां नहीं बदुआ पड़ रही है, गालियां तो बहुत अलग बात है, गालियां एक बार मिल जाती नेता को समझ में आता है, लेकिन बदुआ लेना बहुत बुरी बात है। आप कहीं के नहीं रहोगे, इतनी बदुआ और इतनी लोगों की हाई लगी है कि लोगों ने एक एक साल बकरा कैसा कैसा पाला, और पालने के बाद वो एक उम्मीद लेके आ रहा था मुंबई के अंदर, मैं जब मेरे बकरे बिकेंगे तो मेरा घर बनवाऊंगा, मेरी बेटी की शादी करूंगा, मैं और बहुत सारे काम करूंगा, ये सारी चीज थी। लेकिन लोगों का ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके उल्टा बकरे 60-70-70-80,000 का भाड़ा चला गया, आने का सिर्फ और जाने का अलग, मतलब 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख का उसका ट्रांसपोर्ट का, उनको शेतकरी का नुकसान हो गया, खाटिक समाज का नुकसान हो गया, इतने सारे लोगों को नुकसान होने का, उनके बकरे मर गए, मतलब उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और ये बोलते कुछ भी हुआ। मैं तो चाहती हूं अगर ये नहीं आओ और वापस दूसरी अगर इसमें माफी नहीं मांगे, ये जितने बकरे मरे ना इनके घर के बाहर लाके डालूंगा, ये देखिए ये बकरे कितने मर गए, और वो शेतकरी को सबको लेकर इनके घर के बाहर बैठा दूंगा, इनको थोड़ा सा भी गैरत नहीं है। और बोलते हैं कि मुसलमान ने अच्छी ईद मनाई, ये कौन सी अच्छी ईद थी, अरे आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं ईद मनाएंगे तो लोग कम से कम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, तुमने बेवकूफ बनाया, लोगों को ठगा है, मुसलमानों के साथ इन्होंने मजाक बना के रखा है कि अपने आप को कि हम ये कुछ नहीं हुआ, इतना होने के बाद अगर ये बोल रहे कुछ नहीं हुआ तो इससे बड़ी शर्म की बात मुझे हो नहीं सकती। राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेताओं ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, खासतौर पर शरद पवार जी ने एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा किस तरीके से कोई बोल सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल नागावारा चीज है। और सबसे बड़ी बात है जिन लीडरों ने इस पर आंदोलन किया उन लीडरों को भी कहूंगा कि आप लोगों को इन्होंने आप लोगों की भी मजाक बना दिया, अबू हशीम आजमी की भी मजाक बना दिया उन्होंने, रईस शेख की मजाक बना दिया, बाबा सिद्दीकी के बेटे की किसान सिद्दीकी की मजाक किया, नसीम खान की भी उन्होंने मजाक बना, मतलब ये सारे लोग झूठे है, खाली नवाब मलिक सच्चे, ये दिखाई दिया। और उसके बाद ये बोल रहे कि बकरा पॉलिटिक्स, अरे क्या लेना देना बकरा पॉलिटिक्स, कोई ईद और बकरी पॉलिटिक्स करता है, जिंदगी भर पड़ी है पॉलिटिक्स करने के लिए, बहुत सारी चीजें लगे, लेकिन अगर मेरे कौम को नुकसान होगा तो हाजी हराफा शेख कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैं घर में मेरी मैं बीमार हूँ, क्वारंटाइन में हूँ,
लेकिन अगर मैं जरूर ठीक होता तो मैं इसका जवाब उनको देता और मेरी हमारी जो, अरे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं तो शेम बोलूंगा, मैं मेरी सरकार के अंदर जब औरंगाबाद में टोल नाके का हुआ था, हमारे सबसे सर्वर वाला जी ने हमारे मेरे को निवेदन दिया था और उसके ऊपर मैंने पूरे महाराष्ट्र के टोल फ्री को छोड़ दिया, तुम बकरे नहीं छोड़ पाए, मुसलमानों को फ्री कर दिया हर टोल, मतलब महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर सारे टोल ये हाजी अराफात अकेले ने टोल फ्री करा देवेंद्र फडणवीस साहब को बोलकर। जी जी, तुम बकरा नहीं छोड़ सके तो ये तुम्हारे पे तो शर्म आनी चाहिए, लानत भेजना चाहिए कि बकरा नहीं छोड़ सकते तुम आदमी की बात करके, तुम्हारे पे क्या उम्मीदें रखेंगी कौन। अभी इसके बाद भी कुछ दिनों का अभी आने वाला, ये तो अभी टॉपिक खत्म होने दो, चार दिन के बाद तुमने जो इंटरव्यू लिया उस पर मैं बोलने वाला हूँ पुलिस भर्ती के ऊपर, इनको इनको बताऊंगा मैं भी, मतलब 5,000-7,000 मुद्दे इनको तो इनको बताऊंगा कि क्या अगर तुम करो हमको अच्छी बात है, अगर कौन के तुमने फायदा किया, कौन का काम किया, कौन के बच्चे अच्छी नौकरी पे लग गए, कौन के बच्चे लोगों को तुम फायदा कर दिया, अल्पसंख्यक मंत्री है, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, कृष्ण समाज, जैन समाज, सिख समाज, अगर इन सबका तुमने फायदा किया तो तुम सक्सेसफुल मंत्री कहलाओगे, नहीं तो तुम डब्बा मंत्री कहलाओगे, ये 100% बोलूंगा। अभी तो तुम जीरो में तो जीरो, तुमको जीरो भी मतलब तुम्हारे लिए देना बहुत मतलब जीरो का अपमान है। जी जी। और उसके बाद तुम सीधा चौड़ा करके बोल रहे कि मुसलमानों को तकलीफ नहीं, कोई गाड़ी नहीं रोकी, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। मैं इतनी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आजी भाई, सलाम भाई, सलाम।